So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for agriculture questions. I hope these questions are very beneficial for all those jo apna career agriculture field ke andar banane ja rahe hain, whether it is bank or other sectors. So my team is ready? Yes sir. Are you comfortable? Yes sir. Okay, so sabse pehle main introduce karaunga aapko Arju se. She is going for scale 1 RRB, right? Aur Arju, she is going for scale 2. To sabse pehle to main janna chahunga aapse ki agriculture ka meaning kya hota hai. Agri means crop and culture means cultivation. Overall meaning of agriculture is cultivation of crops. Okay. Yes. आपने कभी personal agriculture किया है कभी कोई कुछ उगाया है आपने अपने life के अंदर? Sir, तुलसी का पौधा उगाया है मैंने. Okay. इसको basil बोला जाता है English में, right? चलिए. Types of crops बताइए मुझे according to seasons. सर खरीफ सीजन में सर जो सोइंग पीरियड होता है वो सर जुलाई से लेके अगस्त तक होता है और उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो सितंबर टू अक्टूबर होता है. एंड रबी सीजन सर इसका जो सोइंग पीरियड है वो सर स्टार्टिंग इसकी होती है नवंबर से अक्टूबर एंड जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है वो सर जुलाई से अगस्त के बीच में होता है. एंड जायद क्रॉप्स का सर जो सोइंग पीरियड होता है वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक होता है. अब मुझे ये बताइए रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, खरीफ में कौन सी आती है और जायद में कौन सी आती है? खरीफ में सर राइस बाजरा एंड जो रबी सीजन है उसके अंदर सर मस्टर्ड वीट एंड जो जायद है उसमें तरबूज खरबूजा. ओके चलिए मुझे सॉइल्स के टाइप्स बताइए. सर एलुवियल सॉइल्स रेड सॉइल ब्लैक सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. ओके सबसे ज्यादा अच्छी सॉइल किसे माना जाता है? एल्यूवियल सॉइल को सर सबसे ज़्यादा अच्छी माना जाता है. रीज़न? क्योंकि सर इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि सर क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ओके तो मैं चांस दूंगा हमारी कलीग को. प्लीज आर यू कैन आस्क क्वेश्चंस प्लीज. आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए. मैं एक ऑप्टिमिस्टिक गर्ल हूँ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ. मुझे कोई भी टास्क मिलता है तो मैं उसको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करती हूँ. वेरी गुड. चलिए हम चाहते हैं कि बीच में आपसे इंटरेक्टिव क्वेश्चंस होने चाहिए तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले आपकी फैमिली के बारे में. सर मेरी फैमिली में चार मेंबर हैं. माय फादर मदर एंड वन एल्डर ब्रदर. माय फादर हैज शॉपकीपर एंड माय मदर इज हाउसवाइफ एंड माय ब्रदर कोऑपरेटिंग माय फादर. ओके आपको अपना स्केल टू का इंटरव्यू कहाँ देने जाना है आरआरबी का? सर जोधपुर. जोधपुर कुछ पढ़ा आपने उसके बारे में अभी तक? सर जोधपुर के बारे में नहीं पता बट इतना पता है कि वहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है. फोर्ट भी है सर वहाँ पे जो बहुत फेमस है. मंडोर गार्डन इज वेरी फेमस देयर. चलिए मुझे इरिगेशन के मेथड्स बताइए. सरफेस मेथड ड्रिप इरिगेशन मेथड. सर जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर. इसमें जो वाटर सेविंग एफिशिएंसी है वो 90% है. यस सर. कैश क्रॉप के बारे में जानते हैं आप? यस सर. बताइए कैश क्रॉप. सर इनको नकदी फसलें बोलते हैं. मेनली सर ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ग्रो करते हैं. इसमें सर क्रॉप को बिना स्टोर किए डायरेक्टली सर मार्केट में सेल करते हैं. ओके रेटोनिंग क्या होता है? रेटोनिंग सर एक प्रोसेस है शुगर केन में. इसमें सर जो क्रॉप का जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको कट करते हैं और उसी से सर नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करवाते हैं. सोइंग मेथड का कुछ बताइए हमें. सर सोइंग मेथड टाइप है सर इसके अलग कोई एक टाइप बताइए. ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? सर इसमें सीड को डायरेक्टली सर हैंड से मतलब ब्रॉड किया जाता है. okay. अलग अलग जगह पे फैला दिया जाता okay. है. क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में? यस सर फर्टिलाइजर सर केमिकली सिंथेसाइज्ड कंपोनेंट होते हैं और जो मैन्योर्स हैं वो सर मतलब नेचुरली जिनको प्रिपेयर करते हैं. जो सर वेस्टेज होता है प्लांट्स का एनिमल्स का उनको सर डीकम्पोज करके मैन्योर्स बनाते हैं. ओके डिफरेंस तो आपने बताया. ज़्यादा अच्छा कौन सा रहता है क्रॉप्स के लिए, फर्टिलाइजर रहता है या मैन्योर रहता है? सर मैन्योर्स ज़्यादा बेनिफिशियल हैं. रीज़न? क्योंकि सर ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड होते हैं जो okay. मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा मतलब वो हानिकारक नहीं होते हैं एंड प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं. ओके आंसरिंग में आपके मतलब वर्ड बहुत आता है राइट अर्जुन? yes, तो आप उसको अवॉइड करिए हम चाहते हैं. अर्जुन प्लीज यू कैन हैव योर क्वेश्चंस. आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक पोटेंशियल सेक्टर है जिसमें सर अगर डिलीजेंट मैनर से वर्क किया जाए तो हमें प्रमोशंस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है. एंड यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो रेगुलर होता है तो इसमें एक एक्टिवनेस भी बनी रहती है. एंड यहाँ के जो जैसे मॉनिटरी एस्पेक्ट्स रिलेटेड फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है जो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है इसलिए मैं खुद को
देखना चाहूँगा। चलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताइए। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था, ये 1956 में लाया गया था। एंड इसके अंदर मतलब कैसे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, कैसे MSP जो है उनको कैसे डिसाइड करना है, इन सबसे रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताया गया। ओके, देखिए मेरे पास आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, पर उससे पहले मैं आरजू से कंफर्म करना चाहूंगा। आरजू, आप मुझे बता सकते हैं कि ये RRB के लिए जा रही है, स्केल 2 के लिए, आप 1 के लिए, तो RRB के बारे में कुछ बताइए हमको। सर, RRB इज रीजनल रूरल बैंक, राइट। ये 1975 के अंदर एस्टैब्लिश किए गए थे, मतलब पहला बैंक 1975 के अंदर आया था जो प्राथमा ग्रामीण बैंक था। एंड जो RRBs होते हैं ये बेसिकली दीज आर ऑन्ड बाय द स्टेट, सेंट्रल एंड द स्पॉन्सर बैंक, जिसमें सेंटर का जो पार्ट होता है वो 50% होता है, स्टेट का जो होता है वो 15% होता है, एंड जो स्पॉन्सर बैंक होता है वो 35% होता है। बेसिकली जो RRBs को लाने का मतलब ये था कि जो ऐसे एरियाज जिनको अभी भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई हैं, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ तक बाकी बैंक्स नहीं पहुँच पाए हैं, उन लोगों को भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए RRBs को खोला गया था। जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, उन सबको बैंकिंग फैसिलिटीज थोड़े अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड की जाती हैं इनके अंदर। वेरी गुड। SHC क्या होता है? सोइल हेल्थ कार्ड। कब बना था ये? सर ये फरवरी 2015 में। वेरी गुड, ये 19 फरवरी 2015 में बना था। वेरी गुड, क्या पर्पस क्या होता है इसका? सर इसमें एक कार्ड इशू किया जाता है फार्मर्स को। सर उसमें एक सॉइल का सैंपल लेते हैं और उसकी सर चेक करके सैंपल को फार्मर्स को ये बताते हैं कि उनकी सॉइल के लिए कौन से मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स बेनिफिशियल होंगे। वेरी गुड। KCC से आप क्या समझते हैं? KCC किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, कब शुरू हुआ था? सर ये अगस्त 1998 में शुरू हुआ था। वेरी गुड, क्या बेनिफिट इसका? सर KCC में सर एक फार्मर्स को कैसे क्रेडिट्स इशू करने हैं वो सब। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के बारे में आप क्या बता सकती हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, यस सर। सर इसमें सर फार्मर्स को एक अमाउंट पे की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें सर जो 100% फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। सर इसमें अलग अलग 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट पे की जाती है। और सर इसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर फार्मर की हेक्टेयर 2 हेक्टेयर है तो सर वो इसके लिए एलिजिबल होगा। वेरी गुड, ये सम्मान निधि है, राइट? यस सर। थैंक यू फॉर करेक्शन। हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम? सर फार्मर्स की इनकम को जो उनका MSP होता है उसको सर अगर 1.5 गुना कर दिया जाए, अभी गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम निकाली थी कि अगर फार्मर्स का जो MSP है उनको 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, क्योंकि उनको सर जो रीजनेबल प्राइस मिलना चाहिए अपनी क्रॉप्स का वो उनको नहीं मिल पाता है। एंड सर मतलब फार्मर्स को इनके बारे में अवेयर करवाना कि उनके लिए कौन से बेटर क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो यूज करने हैं, जैसे सर अभी नीम कोटेड यूरिया का यूज किया जा रहा है वो भी बहुत बेनिफिशियल है सर। इन सब के बारे में अवेयर करके और फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है। स्लो बर्निंग आप इन दिनों देख रहे होंगे। yes, sir. और दिल्ली में सबसे बड़ा इसका प्रभाव आ रहा है। yes, sir. तो क्या होती क्या है ये, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर इसको हिंदी में पराली बोलते हैं। ओके, आपको लगता है ये वाकई में बहुत हार्मफुल होती है? यस सर, ये कारण हार्मफुल होने का, क्योंकि सर जो जैसे राइस है सर, राइस का जो वेस्टेज मटेरियल होता है सर उसको बर्न करते हैं, बर्निंग के बाद में सर जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सर वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं सर, उससे मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नॉलेज है आपके पास, वेरी गुड। SHG क्या स्टैंड करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, क्या बेनिफिट क्या होते हैं इनके? सर ये एक मतलब ग्रुप होता है, इसमें 10 से 12 वोमेन या फिर मेन का एक ग्रुप होता है। इसमें सर मतलब ये एक साथ में ग्रुप बना के डिस्कस करते हैं इस ग्रुप के अंदर कि कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज किया जाए, कैसे सेविंग की जाए, इन सब के बारे में सर। और DEDS इससे आप समझते हैं कुछ? सर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ओके, क्या पर्पस क्या होता है इसका बता सकते हैं? इसमें कुछ डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स होगी। यस सर। आपने डेयरी में वर्क किया है? यस। कौन सी डेयरी में काम किया आपने? मोदी डेयरी बीकानेर। वेरी गुड, कितने इयर्स? 2 इयर्स। आपका प्रोफाइल क्या था? सर मैंने एज ए क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव वहाँ पे वर्क किया है। ओके, और आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता था वहाँ? सर वहाँ पे जो लैब में सैंपल आते थे उनकी टेस्टिंग करना, जैसे सर फैट टेस्ट, एसिडिटी, प्रोटीन एंड एफ्लाटोक्सिन टेस्ट। ओके, तो आप बता सकते हैं कि UHT क्या होता है मिल्क का? यस, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। इसका बेनिफिट?
सर इसमें मिल्क को 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 to 3 सेकंड के लिए हीट करते हैं. Okay. इससे सर जो मिल्क के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं और मिल्क की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और स्टोरेज कंडीशन भी इंक्रीज हो जाती है. ओके okay. फिर तो आपने पैस्टराइजेशन ऑफ मिल्क भी सुना होगा. यस सर. क्या होता है वो? सर पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मिल्क का. इसमें सर मिल्क को हीट करते हैं जिससे उसके अंदर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं. सर ये इसके 2 मेथड हैं, HTST एंड LTLT. ओके. सर इसमें जो फर्स्ट मेथड है उसमें मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए हीट करते हैं एंड जो सेकंड मेथड है LTLT सर उसके अंदर मिल्क को 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए हीट करते हैं. वेरी गुड. चलिए अर्जुन, यू कैन हैव योर क्वेश्चंस प्लीज. यस. अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए. मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सेलेक्ट होंगी. अनफॉर्चुनेटली अगर मैं नहीं सेलेक्ट होती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या क्या है और मैं सर उस पर वर्क करूँगी और मुझे नेक्स्ट टाइम फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसको कवर अप कर लूँगी. वेरी गुड. आप मुझे बता सकते हैं LLM से क्या समझते हैं? NLM, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन. ओके, व्हाट डज इट मीन? ओके, पर आपने फुल फॉर्म बताई, दैट इज वेल एंड फाइन. कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम बता दीजिए. फर्टिलाइजर्स अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया. ओके. क्रॉप्स के कुछ डिजीजेस? सर बैक्टीरियल नोट, ब्लॉसम एंड रोट, ब्राउन रॉट, बैक्टीरियल कैंकर, राइट? तो आई होप कि मैंने आपसे जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे इन्होंने बहुत फ्रूटफुल जवाब दिए, राइट? I hope student that this session is going to be very fruitful for those who are going in agriculture fields. Unse related maine sare questions cover up kiye. No doubt she is well versed with the dairy components also as she has worked also. You are a BTech, right? Yes, in dairy technology, right? Yes. It is the only college in Rajasthan? Yes sir. Where it is? Udaipur. Udaipur, very good. And now for RRB, where you are going for interview? Jodhpur sir. Jodhpur. So you must be enjoying all Rajasthan. Yes sir. Okay, Jodhpur, Udaipur, now you are in Ganganagar, that's great. Chaliye, it's the right time to give her blessings. Yes, sir. Any good thing you found in her? कोई अच्छी बात लगी आपको इनके अंदर, कोई जो आप पॉइंट बताना चाहें? सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं ये चीज़. यस एंड नॉलेजेबल इनफ. सबसे बड़ी बात है इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, राइट? हाउ डू यू फील एट पीडी क्लासेस, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पीडी क्लासेस में. सर जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो मेरे में सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट सर अभी मुझे दो दिन हुए आपको? हाँ जी सर. तो सर मुझे खुद में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लग रहा है. ओके, आपके क्या विचार है पीडी क्लासेस के बारे में? सर मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ. मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है एंड मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं. इनफैक्ट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है यहाँ पे आके, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ओके, तो बहुत से लोगों को लगता है, डिलेमा लगता है कि भाई 7 डेज में मिरेकल हो सकता है क्या? तो अब आपकी क्या राय है? सर डेफिनेटली हो सकता है, 7 डेज तो बहुत ज़्यादा है सर, मुझे ऐसे लगता है कि. बट मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं खुद ये सोच रही थी कि 7 डेज में कैसे कवर होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये हर व्यक्ति पूछता है कि 7 दिन में कैसे चेंज हो सकता है, पर हो सकता है भाई, राइट? और टेलीफोन कोर्स के हमने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए थे, आपने LICADO के स्टूडेंट्स के लिए थे. आपको बता देता हूँ वो दोनों स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं जिनके आपने इंटरव्यू लिए थे. हमारी जो जितने भी स्टूडेंट्स थे जो यहाँ आए थे, दे ऑल गॉट सिलेक्टेड, तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए, राइट? तो टेलीफोन कोर्स स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस आपको कैसा लगा 7 दिन के? सर वो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था. जब मतलब टेलीफोन पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है, right. तो यहाँ आके तो मतलब बहुत ज्यादा ही बंदा इम्प्रूव कर सकता है. ओके, आपके हिसाब से किसानों को लोन माफ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, जो सरकार कर देती है कई बार? नो सर, लोन माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर इससे क्या है, फार्मर्स के अंदर एक हैबिट हो जाती है कि लोन माफ़ तो हो ही जाएंगे. सर उनके पास मनी होते हुए भी सर वो लोन मतलब चुकाते नहीं है, वापस से उनको कर. ओके, आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस सर मैं लिटिल बिट टॉकेटिव गर्ल हूँ, मैं हर कहीं सर फ्रेंड्स बना लेती हूँ. ओके, आपने जब हम आपको जॉब देंगे तो ऑब्वियस है आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, आप कैसे मैनेज कैसे करेंगी? सर मैं वर्सेटाइल नेचर की हूँ, मैं खुद को सर हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेती हूँ. दैट्स वेरी गुड, मींस आप एडजस्टेबल हैं. yes. और इजीली कहीं भी एडजस्ट कर लोगी. यस, वंडरफुल वंडरफुल. तो आपने हमें जितनी भी क्रॉप्स के डिजीज बताई थी तो और फर्टिलाइजर्स के नेम बताए थे, तो आपका तो डेयरी का है. yes. जितना भी आपने स्टडी करी, तो एग्रीकल्चर का नॉलेज आपने कहाँ से गेन किया? सर मैंने सेल्फ स्टडी भी की है एंड सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली जिससे मैंने मेरा नॉलेज इंप्रूव किया. आपके मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था. yes, sir. उसमें क्या टॉपिक्स क्या पढ़ते थे आप? सर ब्रीड्स, टाइप्स ऑफ ब्रीड्स. तो काऊ की ब्रीड्स बताइए जरा.
काओ की ब्रीड्स, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, ओके, बफेलो की, मुर्रा, सूरती, ओके, वेरी गुड, शी इज हैविंग डेप्थ नॉलेज, है ना, कुछ भी पूछ लो इनको नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड, आई होप यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड, माय ब्लेसिंग्स टू यू, ओके.